शांति के लिए काम करने वाली महिलाओं के योगदान पर दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा है। इस महोत्सव में महिलाओं पर केंद्रित दुनिया भर से आई फिल्मों को दिखाया जा रहा है। इस महोत्सव में 25 देशों की 50 महिलाएं भी हिस्सा ले रही हैं, जिन्होंने शांति के लिए अपने अपने स्तर पर कार्य किए हैं। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। सदियों से ही भारतीय समाज में नारी की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसी के बलबूते पर भारतीय समाज खड़ा है। आज की दुनिया में गैर हिंसक विवाद सुलझाने के लिए महिलाओं के योगदान पर दिल्ली में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है। राजधानी के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित इस फिल्म महोत्सव में दुनिया भर से करीब 50 महिलाएं अपने अनुभवों को साझा करने भी पहुंची हैं। ये फिल्म फेस्टिवल बहुत यूनिक है क्योंकि पीस पे स्पेसिफिकली फेस्टिवल नहीं हुआ और हमें 130 फिल्म्स मिली 30 कंट्री से, जिसमें से काफ़ी सारी यहाँ दिखाई गई हैं। अभी दलाई लामा के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ हैं। तिब्बत में जो अपराइजिंग हुई थी 59 में विमेन की, वो दिखाई जा रही है। इसके बाद हमारे गुलाबी गैंग की महिलाएँ आएंगी। तो एक बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग मिक्स है फिल्मों का, हर तरह का, पर एक्सप्रेशन ऑफ पीस कि कॉन्फ्लिक्ट है, वायलेंस है, हर जगह है, पर उसी की वजह से हम सब पीस जा रहे हैं। इससे पहले जलगांव में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 25 देशों की 50 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिन्होंने शांति बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी एक यात्रा निकाली गई और अब दिल्ली में इस फिल्म महोत्सव के जरिए महिलाओं द्वारा शांति का संदेश देने का प्रयास किया गया है। सब महिला और शांति के बारे, क्योंकि इंडिया में हमारा गांधी सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण ना, ये गांधी हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चलाते थे और सभी लोग जानते हो से इंडिया एक स्पेशल क्वालिटी इंडिया में ये नॉन वायलेंस संघर्ष, नॉन वायलेंस सिद्धांत है। इस फिल्म महोत्सव के लिए 30 देशों से करीब 130 फिल्में आई हैं, जिसमें से आयोजकों ने 24 फिल्मों का चयन कर उन्हें महोत्सव में शामिल किया है। इस महोत्सव में शांति दूत के रूप में महिलाओं के योगदान को फिल्मों के जरिए दिखाने के साथ ही उन पर चर्चा भी की जा रही है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD News, दिल्ली।